तो ये फाइल उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं बहुत इजीली अगर जीटीएफ फाइव तुम्हारे में चलता है इजीली तो ये जो दो फाइल्स हैं एक दो इनकी जरूरत बेसिकली नहीं है क्योंकि बातें पहले से ही डली हुई होंगी तभी जीटीए फाइव चल रहा है लेकिन अगर जीटीए फोर में कोई भी इशू आता है तो ये दोनों फाइल्स की भी जरूरत पड़ेगी लेकिन बेसिकली हमारा काम ओपन आईवी सेटअप से ही है हम लोगों ने क्या करना है यहां पर डाउनलोड के बटन पर इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा तुम लोगों ने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना जिस भी फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हो अब दोस्तों ये डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे सामने ये फाइल आ जाएगी ओपन आईवी की जहां भी तुम लोगों ने डाउनलोड किया है इसको यहां पर खोल लेना है इसका फोल्डर और यहां पर तुम लोग सबसे पहले ओपन आईवी में जाओगे और यहां पर तुम लोगों ने ये सारी फाइल्स डाल लेनी है

एक्सेप्ट कर लेना है नेक्स्ट कर देना है इसको इंस्टॉल बिंग बार को बंद कर देना वरना फालतू तो में बिंग बार इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको कट कर देता हूं यहां से इसको मैं नेक्स्ट करता हूं और यहां पर मेरा ये इंस्टॉल होने लग जाएगा मुश्किल से एक मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्ट सेटअप यहां पर मैं इसको फिनिश कर देता हूं मेरा अब ये दोनों फाइल्स डल चुकी है अब मैंने फाइनली ओवीआई सेटअप को खोलना है जिससे मेरा ओपन आईवी डलेगा बहुत ही सिंपल टेक्निक है जैसे हम जीटीए फाइव में डालते हैं वैसे ही जीटीए फोर में डालेंगे इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा यहां पर यहां पर दिखाएगा कि पहले चूज लैंग्वेज कर लो तो हम लोग इंग्लिश ही करेंगे क्योंकि जरसी बात है हमारी रशियन लैंग्वेज नहीं है मैं इसको यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं और यहां पर ये यह प्रिपेयर करेगा फाइल्स को फिर यहाँ पर ये एग्रीमेंट पूरी दिखाएगा इसको पढ़ लेना तुम लोग क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे बनो यहां पर मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूं, मर्जी है तुम लोगों की पढ़ना नहीं मैंने मैंने भी नहीं पढ़ा पढ़ावा ऐसी यहां पर इसको तुम लोग कंटिन्यू कर देना और यहाँ पर जो भी फाइल्स वगैरह सेलेक्टेड है जो भी ड्राइव्स वगैरह सेलेक्टेड हैं, वैसे ही रहने देना क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है तो सी ड्राइव में भी डल जाएगा तो मसला नहीं आएगा हार्डली ये समझो कि वन एम या टू एम का सॉफ्टवेयर होता है बहुत ही छोटा होता है मैंने क्या करना है मैंने यहां पर सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है और यहां पर यह दिखाया ट्वेंटी पॉइंट फोर एम बी का सिर्फ सेटअप है मैं यहां पर इसको यस कर देता हूं और यहां पर मेरा ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने लग जाएगा यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा अब ये इंस्टॉल हो रहा है जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर यहां पर ये यह ऑप्शन दिखा देगा इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली तुम तो लोगों ने इसको क्लोज कर देना है और फिर हम लोगों ने अपना ओपन आईवी खोलना है और जी टी फोर को उससे कनेक्ट करना है अच्छा दोस्तों यह बात ध्यान में रखना कि GTA 4 मॉडिंग के लिए मैं रेकमेंड करता हूं 1.7.0 वर्जन क्योंकि मेरे पास भी वही वाला वर्जन है मैं यहां पर तुम लोगों को खोल के भी दिखा देता हूं यहां पर यह रहा मेरा GTA 4 मैं जाता हूं इसके ओपन फाइल लोकेशन में और यहां पर मेरा जो GTA 4 है मैं तुम लोगों को इसका वर्जन भी दिखा देता हूं देख सकते हो वन है तुम लोगों को ये वाला वर्जन लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी मॉड सपोर्ट करता है इससे आगे वाले वर्जन इससे पुराने वाले वर्जन मसला करते हैं और चार जीबी पांच जीबी का होता है तो पुराना जी टी फाइव निकाल के नए वाला डाल सकते हो बहुत ईजिली अगर तुम लोगों को मेरे वाला वर्जन चाहिए गाइडेंस वगैरह चाहिए तो नीचे सिंपली कॉमेंट कर देना और मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे तुम लोगों ने यह करना है मेरे चैनल को दोस्तों ये दिनों को सब्सक्राइब करने का फायदा ही यह है कि हर कॉमेंट का जवाब देता हूं तो तुम्हारे प्रॉब्लम सोल्व होने ही होने और तुम्हें भी बहुत ईजिली जीटीए फोर वर्जन मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे मॉड्स ई ईजिली चल जाएंगे अब यहां पर हम लोग अपना ओपन आईवी खोलते हैं

देख सकते हो ओपन आईवी का आइकन यहां पर डेस्कटॉप पर आ चुका है मैं इसको डबल क्लिक करूंगा यहां पर ये यह ओपन आईवी खोल देगा अब यहां पर देख सकते हो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फोर का भी यहां पर ये यह ऑप्शन दिखाएगा और जीटीए फाइव का भी दिखाएगा हमने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फोर के नीचे ये जो विंडोज लिखा हुआ नजर आ रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहां पर हम लोगों ने अब जीटीएफ फोर का फोल्डर में से फाइल फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है यहां पर मैंने अभी जैसे खोला था तुम लोग ऐसे भी खोल के इसका लोकेशन डाल सकते हो कि यहां पर जीटीए फोर का जो आइकन हो उस पर राइट क्लिक करो ओपन फाइल लोकेशन करो और यहां पर इसकी फाइल को यहां पर सेलेक्ट करके

यहां पर ये एक सेकंड के अंदर खोल देगा अगर तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा है अगर पुराने जमाने वाला यूज कर रहे हो तो एक मिनट लगा सकता है यहां पर मेरा इसने ओपन आईवी खोल दिया है और मैं तुम लोगों को अब ओपन आईवी की कुछ थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जो कि हमें करना जरूरी है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जीटीए फोर में कोई भी मॉडिंग वगैरह करनी है तो हमेशा यहां से एडिट मोड को लाजमी ऑन कर लेना है और यहां पर येस पर क्लिक कर देना ताकि एडिटिंग कर पाओ और जीटीए फोर हमेशा बैकग्राउंड पर बंद होना चाहिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया करो अगर कोई मसला आता है ओपन आईवी में और हाँ अगर यहां पर एडिट मोड नहीं नजर आता तो विंडोज का कोई मसला है तो यहाँ पर फाइल में होगा यहां पर एडिट मोड अगर फाइल में भी नजर नहीं आता तो सिंपली तुम लोग एफ दबाओगे और तुम्हारा एडिट मोड ऑन हो जाएगा अब दोस्तों मैं अपना GTA 4 खोलता हूं और तुम लोगों को दिखाता हूं कि मेरा GTA 4 सही तरह से चल रहा है ओपन आईवी डालने के बाद कोई इशू तो नहीं आया मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं ओपन फाइल लोकेशन करता हूं और यहां पर दोस्तों हमेशा अगर तुम लोगों ने मेरे वाला GTA 4 डाला हुआ है ना 1.0.7.0 तो तुम लोगों ने ये जो लॉन्च लिखा हुआ आ रहा रहा है ये लॉन्च GTA 4 इस पर हमेशा राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है फिर यहां पर ये यह रेजर का दिखाएगा और ये खोल देगा तुम्हारा GTA 4 क्योंकि जहर सी बात है मेरे वाला वर्जन है इस वजह से तुम लोगों को मैंने ये डिटेल्स में बता दिया कि तुम लोगों ने खोलना भी कैसे है अगर तुम लोग मेरे वाला डालना चाहते हो तो सिंपली बोलूंगा कि कमेंट कर देना और मैं गाइड कर दूंगा और इसके अलावा जब तक मेरा GTA 4 खुलता है तुम तो लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है क्योंकि सी बात है ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और YouTube पर ऐसी वीडियोस नहीं है GTA 4 के बारे में GTA 5 तो भरी पड़ी है लेकिन GTA 4 के बारे में इतनी डिटेल नहीं है मैंने कोशिश करके जितना डिटेल में हो सकता था एक एक चीज को बिल्कुल क्लियरली बताने की पूरी की पूरी कोशिश की है और हां आगे शेयर भी करना ताकि सबके सब ये डाल पाए जिनको भी GTA फोर में ओपन वगैरह डालना है यहां पर देख सकते हैं मेरा GTA फोर खुल चुका है अब सिंपली मैंने यहां पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके चेक करना है कि मेरा GTA फोर चलता है या नहीं चलता या फिर कोई एरर आ जाता है ओपन डालने के बाद यहां पर दोस्तों देख सकते निको बिचारा हो नीको बिल्कुल बेचारा तैयार होकर एक हफ्ते से खड़ा हुआ है डेट पर जाने के लिए लेकिन इसको मैं डेट पर ही नहीं जाने दे रहा क्योंकि जरसी बात है तुम लोगों को सारी चीजें कर, कर दिखानी है फिर इसको मैं डेट पर लेकर जाऊंगा अभी मैं इसको डेट पर नहीं लेकर जाऊंगा और हाँ दोस्तों तुम लोगों ने अगर मेन्यू ट्रेनर वगैरह इसमें डालना है जिससे मॉडिंग वगैरह कर पाओ जैसे यहां पर मैंने सिंपली एफ दबाया और मेरा ये जोली का ट्रेनर खुल चुका है अगर तुम लोगों को भी ये जोली का ट्रेनर डालना है तो सिंपली दोस्तों तुम लोगों ने ये वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा तुम लोग एंड स्क्रीन पर ये वाली वीडियो को क्लिक करना और इजीली देखकर तुम लोग फिर बहुत आसानी से अपना जोली का मेन्यू ट्रेनर डाल पाओगे और जीटीएफ फोर में बहुत मॉडिंग वगैरह कर पाओगे